रीवा कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने जेपी प्लांट का पावर प्लांट किया सील। 254 करोड़ बिल भुगतान के लिए प्रशासन ने कई बार भेजा था नोटिस, राशि जमा नहीं किए जाने पर विद्युत प्लांट को किया गया सील। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर जेपी प्लांट के विद्युत पावर प्लांट को सील कर दिया है। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि जेपी प्लांट द्वारा लगभग 254 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और कई बार जेपी प्लांट को नोटिस देने के बावजूद भी राशि जमा नहीं की गई, जिससे रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर आज जेपी प्लांट पहुंचकर जेपी प्लांट के विद्युत प्लांट को सील कर दिया गया। वहीं अंदर काम कर रहे वर्करों को बाहर निकालकर घर भिजवा दिया गया। इस कार्रवाई पर तहसीलदार यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार ममता पटेल, विद्युत मंडल अधिकारी एवं कई प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि जेपी रीवा प्लांट रीवा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक WP5942/2012 दर्ज किया गया। इसका निर्णय दिनांक 24 जून 2021 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनाते हुए जेपी रीवा प्लांट रीवा की याचिका को डिसमिस अर्थात निरस्त करते हुए इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिया गया निर्णय शासन के पक्ष में होने से विद्युत शुल्क की राशि वसूलने योग्य हो गई है। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलकी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जेपी का थर्मल प्लांट है, जेपी रीवा प्लांट के अंतर्गत स्थित है। इनका मध्य प्रदेश शासन की इकाई है, विद्युत सुरक्षा इकाई है। उसमें इनका लगभग सितंबर 2006 से नवंबर 2011 की अवधि में विद्युत शुल्क जो था वो इनका पेंडिंग था, भुगतान जेपी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया था, जो कि लगभग ब्याज सहित बढ़कर के 254 करोड़ हो गया था। और शासन के पक्ष से इनके कुर्की आदेश भी पूर्व में इनके मांग पत्र जारी किए गए थे, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई थी शासन के पक्ष में। उसी को लेकर के जेपी प्रबंधन को पूर्व में कई ज़्यादा नोटिस जारी की गई, मांग पत्र भी लिखे गए और मौखिक और लिखित सूचनाएँ दी गई, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई। और जेपी प्रबंधन के हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में जून 2021 में खारिज कर दी गई थी। आज उसी के संबंध में शासन के पक्ष में आज जेपी थर्मल प्लांट जो है शासन के पक्ष में इसको कुर्क की कार्रवाई की गई। ये जेपी का थर्मल प्लांट है यहाँ पर। हाँ, पूर्व में इनको कई बार नोटिस जारी किए थे, 254 करोड़ जो हमारा पेंडिंग है वहाँ पास जमा कर दें ब्याज सहित, परंतु प्रबंधन के द्वारा आज भी एक भी रुपये की राशि जमा नहीं की गई है।